9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। कानूनों को रद्द करने और MSP पर कानून बनाने की मांग करने वाले किसानों को मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का फिर से समर्थन मिला है। मलिक ने दो टूक कहा है कि यदि किसानों की मांगे नहीं मांगी गई तो पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान में BJP का सफाया हो जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान आंदोलन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और किसानों की मांगों को मानने की अपील की है। इंटरव्यू में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मेरा यह असिस्टमेंट है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सब सफाया हो जाएगा। हमारा यानी कि BJP में मैं जहां जहां कर सकता था उनसे कह दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कहना तो बेमतलब दुखी करना है। जो कर रहा है वह प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री को करना है। मैं दोनों से कह चुका हूं कि इसे करिए, नहीं तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कृषि को नहीं जानते हैं वो ही कह रहे हैं कि इन कानूनों से कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती को और खेती करने वालों को जानते हैं। गुजरात में उनकी परफॉर्मेंस प्री फॉर्मर थी। गुजरात में उनके काम देखिए, उन्होंने काफी काम किए। MSP का मुद्दा उन्होंने ही चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ही उठाया था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री तो बादशाह हैं, अगर वे नरमी दिखाएंगे तो उनकी तो इज्जत बढ़ेगी। अगर पूरे मामले को सुलझाना हो तो MSP पर लीगल गारंटी दे दी जाए। 10 दिन में सुलझ जाएगा पूरा मामला। कानून वाला मामला बड़ा नहीं है। किसान आंदोलन 100% पूरी तरह सही है। मैंने चरण सिंह जी लोहिया जी से सीखा है कि अपने वर्क इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। किसानों की मांगे बिल्कुल भी नाजायज नहीं है। आंदोलन को साल भर होने वाला है। 600 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कुतिया भी मरती है तो संवेदनाएं भेजी जाती है। आज हम उनका नोटिस भी नहीं ले रहे हैं। यह मुझे अन्याय की बात लगती है। सत्यपाल मलिक ने पिछले दिनों दावा किया था कि जब भी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब 2 फाइलें पास कराने के लिए आई थी। इसमें से 150 करोड़ रुपए मिल सकते थे, लेकिन दोनों फाइलों को उन्होंने मना कर दिया। इस पर बात करते हुए मलिक ने इंटरव्यू में कहा, मुझे जानकारी दी गई कि इसमें 150 करोड़ की पेमेंट होने की संभावना है। अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा। जब मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात के बारे में शेयर किया तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कैंसिल कर दो। मैंने दोनों फाइलें कैंसिल कर दी। वही महबूबा मुफ्ती के 10 करोड़ के मनहानि वाले नोटिस पर सत्यपाल मलिक ने जवाब दिया कि मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, मैं कहां से दूंगा। उनके वकीलों ने उन्हें समझाया नहीं कि गवर्नर के ऊपर मुकदमा नहीं किया जा सकता। उस रोशनी एक्ट का सबसे ज्यादा फायदा उनके वर्कर्स को ही हुआ। मैंने 3 दिन पहले भी वहाँ के अधिकारियों से साफ किया तो उन्होंने भी बताया कि ज्यादातर प्लांट्स इन्हीं के वर्कर्स को मिले थे। यह पहली बार नहीं है जब मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इससे पहले भी कई बार वह समय समय पर आंदोलन और किसानों के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली से किसानों को दबाव और अपमानित करके खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए। मैं सरदारों को जानता हूँ, वे 300 सालों तक बातों को नहीं भूलते हैं। साथ ही वे यह भी दावा करते हैं कि यदि MSP को कानून के दायरे में ले जाया जाए तो वो किसान आंदोलन को खत्म करवा देंगे। अभी देखना यह है कि सत्यपाल मलिक का जो कहना है उस पर PM मोदी कुछ सोच विचार करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए SBN 9 न्यूज़। धन्यवाद।